इस वीडियो में हम लोग आपको पेन कैमरा चलाना सिखाएंगे। कार्ड पेन कैमरा है ये, बेसिक पेन कैमरा है, 720 पिक्सल का पेन कैमरा है, 720p इसकी वीडियो क्वालिटी है। इसमें आपको एक पेन मिलेगा और ये साथ में एक डेटा केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, इसके थ्रू ये चार्ज होगा और इसको आप आगे किसी भी अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर से अटैच कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। ये पेन का ऊपर वाला ऑन ऑफ का बटन है, ये सामने की तरफ ये कैमरा है और ये ऐसे आप खोलेंगे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये पेन, ठीक है। अब सबसे पहले जब ये पेन आपको मिलेगा आपको इसको एक से डेढ़ घंटा चार्ज करना है, मैक्सिमम डेढ़ घंटा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना आपने। ये वायर को आपने इसमें, ये स्लोट है चार्जिंग वाला और ये दूसरा स्लोट जो दिख रहा है आपको ये आपका मेमोरी कार्ड स्लोट है। पहले हम लोग आपको चार्जिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद मेमोरी कार्ड के रिगार्डिंग बताएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये ऐसे डाटा केबल इसमें प्लग हो जाएगी, अच्छे से प्लग करनी है आपने, ये ऐसे आराम से ये प्लग हो गया, ये टिक का आवाज़ आया क्लिक का, ये इसमें प्लग हो गया। अब इसके साथ आप इसको किसी भी फ़ोन के चार्जर में आप लगाओगे, ये ऐसे मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है इसमें ऐसे लगाकर पहले ऑफ़ किया इसको, और जब भी आपने चार्जिंग में लगाना है पहले वो प्लग आपको ऑफ होना चाहिए। ये लगा दिया ऐसे प्रॉपरली प्लग कर दिया और ये हमने बटन को ऑन कर दिया, इस प्रकार से ये रेड लाइट आना स्टार्ट हो गया तो ये चार्ज कर रहा है। लगभग आप इसको एक से डेढ़ घंटा चार्ज कर लीजिए, ठीक है। चार्ज करने के बाद ये वायर हमने अनप्लग कर दिया, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है तो इसमें आपको हम लोग दिखा रहे हैं, ये डाटा केबल हमने अनप्लग कर दिया। अब इसमें आपको जो सबसे पहले चार्जिंग किया उसके बाद आपने इसमें एक मेमोरी कार्ड डालना है, मेमोरी कार्ड जो डालना है आपने वो आप 32GB का मेमोरी कार्ड इसमें डालिए जो इसको सपोर्टेबल है, मैक्सिमम जो है वो 32GB है और आप 16GB भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है अगर 32GB यूज़ करें। ये जैसे हमारे पास एक 32GB का मेमोरी कार्ड पड़ा है, मैं अभी इसको आपको डेमो के लिए यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ये आप मार्केट से बाय कर सकते हैं 32GB का मेमोरी कार्ड। जो मेमोरी कार्ड का ये वाला साइड है ये इस तरफ ले गया ऐसे चार्जिंग वाले पॉइंट की तरफ, ऐसे ये ऐसे इस स्लोट के अंदर चला जाएगा, ये देखिए ये इसके अंदर चला गया, इतना पार्ट इसका बाहर रहेगा ये इसके अंदर चला गया तो ये मेमोरी कार्ड इसमें फिट हो गया। जो 32GB का आपने मेमोरी कार्ड इसमें डालना है उसमें, या 16GB का मेमोरी कार्ड जो डालना है आपने, उसको पहले आपने फॉर्मेट करना है किसी भी लैपटॉप में या मोबाइल में लगाकर उसे फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट का मीनिंग उसको पूरा खाली कर देना है, डिलीट कर देना है, जो भी डाटा उसमें पड़ा है पहले डिलीट करना है, उसके बाद पेन में यूज़ करना है आपने। तो जब भी पेन में हमने कैमरा के अंदर इसको मेमोरी कार्ड को यूज़ करना है वो फॉर्मेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई डाटा नहीं होना चाहिए। और जब भी आप रिकॉर्डिंग बना लोगे उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को अपने सिस्टम में या मोबाइल में सेव कर लो और फिर से मेमोरी कार्ड को क्लियर कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी वीडियो बनाएंगे तो डाटा आपका क्लियर रहे उसमें। अब मेन इसमें हमने वीडियो बनाना कैसे है, वीडियो शूट करना कैसे है, वीडियो शूट जो है वो 3 स्टेप में होगा आपके। सबसे पहले आपने इस ऊपर वाले बटन को, टॉप बटन को ऐसे 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, इसमें ये ग्रीन कलर का लाइट आके स्टेबल हो गया, ये स्टैंड बाय मोड में है। अब दोबारा हमने इसी बटन को आधा सेकंड दबाकर छोड़ देना है, ये देखिए अभी मैं करूँगा, ये आधा सेकंड के लिए दबाया और छोड़ दिया, ये ग्रीन लाइट जो है वो 3 बार ब्लिंक होकर बंद हो गया, इसका मतलब ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, अभी ये कैमरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब वो ग्रीन लाइट 3 बार ब्लिंक होकर बंद हो गया तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आपने इसको कम दबाया तो ग्रीन लाइट आकर वापस आ जाएगी, अगर आपने इसको कम दबाया प्रेस किया तो ग्रीन लाइट दोबारा इस पर आ जाएगी, एक बार ब्लिंक होकर वापस आ जाएगी, उसका मतलब होता है फोटो क्लिक कर दिया, पर जब वो ब्लिंक होकर बंद होगी तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। कुछ पर्सन इसको ज़्यादा देर के लिए प्रेस कर देते हैं तो रेड लाइट ब्लिंक होकर बंद हो जाती है, उसका मतलब होता है कैमरा ऑफ हो गया। अब अभी जो हमारे ये कैमरा स्टेट में है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा है क्योंकि ये ग्रीन लाइट 3 बार ब्लिंक होकर बंद हुई है, अब हमारा ये वीडियो चल रहा है। अब हमने इसको कैमरा को बंद करना है, वीडियो को सेव करना है, तो
तो हम लोग इसी बटन को तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक इसमें रेड लाइट ब्लिंक होकर बंद ना हो जाए, ऐसे ये हम लोग बटन को प्रेस करके रखेंगे जब तक रेड लाइट ब्लिंक होकर बंद ना हो जाए। ये देखिए बंद हो गया, ये हमने फिंगर हटा दी, अब जो हमने रिकॉर्डिंग बनाई थी वो सेव होगी। अब मैं आपको इसको अपने सिस्टम से कैसे इस वीडियो को देखना है वो दिखाऊंगा। हमने दोबारा से इस वीडियो को ये जो वायर है इसको प्लग करना है, सेम चार्जिंग की जैसे हमने किया था ये प्लग हो गया, और इसको आप अपने वायर को लैपटॉप से अटैच कर दोगे। ये देखिए ये लैपटॉप में हम लोग इसको लगा रहे हैं, ये देखिए लैपटॉप में लगाने के बाद ये इस तरीके से स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो गया ये लैपटॉप से। सामने आपके पास ऐसे फोल्डर आएगा, आपने पेन ड्राइव को ओपन करना है, इसमें आपको वीडियो का फोल्डर मिलेगा, ये अंदर एक फाइल बनी हुई है वीडियो की जो हमने बनाई है। इसको आप VLC मीडिया प्लेयर में भी चला सकते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर में भी चला सकते हैं, जो आपके पास प्लेयर हो। हम लोग रिकमेंड जो करते हैं वो विंडो मीडिया प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर, ये दो प्लेयर रिकमेंड करते हैं। इसको आप जो भी प्लेयर आपके पास अवेलेबल हो ओपन विद करके उसको चला सकते हैं, ये ऐसे फाइल प्ले हो जाएगी, ठीक है। और ये बेस्ट रहता है अगर आप प्रॉपर इसको लाइट में वीडियो बनाएं या आउटडोर बनाएं डे टाइम में, तो बेस्ट आपको क्वालिटी मिलेगी इसकी। और जब आपने इसको वीडियो को देख लिया, सेव कर लिया, उसके बाद आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और कुछ लैपटॉप में ये सीधा डिटेक्ट नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तो उस केस में आपने क्या करना है भी, आपने उसमें ये जो मेमोरी कार्ड दिया हुआ है हमारा पेन के अंदर, इस मेमोरी कार्ड को निकाल कर एक कार्ड रीडर आता है, कार्ड रीडर के अंदर लगाकर अपने फ़ोन में आप चला सकते हो और अपने लैपटॉप में चला सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में देखनी है, फिर आपको एक OTG केबल मार्केट से मिलती है आपके मॉडल के हिसाब से, फ़ोन के मॉडल के हिसाब से, उसमें भी लगाकर आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन वाला गाइड कर देगा भी OTG केबल के साथ कार्ड रीडर को कैसे रीड करना है। इस प्रकार से ये सारा इसमें काम होगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का। और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ब्रांड के कस्टमर केयर, टेक्नोव्यू हमारा ब्रांड नेम है, उसके कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9810601293, मंडे टू सैटरडे सुबह 11:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक, मॉर्निंग 11:30 टू इवनिंग 6:30 तक आप कॉल कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप अपना प्रोडक्ट बाय करने के बाद व्हाट्सएप पर भी पिक्चर सेंड कर सकते हो हेल्प के लिए। थैंक यू।